नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह। आज आपको चारों तरफ चुनावी माहौल नजर आ रहा होगा। सभी के द्वारा विकास करने व विकास गढ़ने की बात की जा रही है, मगर बिला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत धूमा की बदहाल स्थिति विकास के नाम पर कालिख पोतते नजर आती है। बिला विधानसभा को यूं तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, पर कांग्रेस को भी इस क्षेत्र के लोगों ने मौका दिया, पर स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। देखिए ये रिपोर्ट। विकास की बात करने वाली भाजपा सरकार अपने शानो शौकत में मशहूर है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत धूमा के आश्रित ग्राम बारगांव के लोग विकास की गंगा से काफ़ी दूर हैं। उन्हें आज तक उनकी मूलभूत ज़रूरतें पानी व रहने के लिए घर व चलने के लिए रास्ते सही रूप से प्राप्त नहीं हो पाया है। यहाँ के लोगों के पास पीने के लिए पानी तक नहीं है। तालाब है पर उस तालाब में पानी नहीं है। रास्ते हैं पर इतनी खराब है कि बरसात के दिनों में इनको गांव से निकलना व घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो जाता है। आवास योजना सिर्फ कागजों में ही रह गई है तथा स्कूल इतनी जर्जर हो गई है कि वहां के बच्चों को सामुदायिक भवन में जाकर पढ़ाई करना होता है। आलम यह है कि सामुदायिक भवन में पहली क्लास से लेकर पाँचवीं क्लास तक एक साथ सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो शिक्षक की व्यवस्था ऐसा है हमारे गाँव में, दो शिक्षक है, एक शिक्षिका और एक शिक्षक और शाला है। शाला ऐसा जर्ज है तो उसमें बच्चों को पढ़ने के लिए लायक बैठने के लायक नहीं है। पूरा नरक के बरोबर में घूमत ना पूरा जनता। गांव मुखिया में हुई सरपंच जेरी से 15 साल से राजनीति करे, ओकरे पानी पूरा गली भर बहुत। तालाब में तो ज्यादा नहीं कहा, 20-25 साल हो गए पछरी कह के सब आदमी रटत, मगर कोई नहीं बनाया आज तक। पांच सरपंच कोई सुनबे नहीं कर, पचरी नहीं है न ट्यूबवेल नहीं है, तालाब ट्यूबवेल नहीं है न पचरी नहीं है, पचरी भी नहीं है, तालाब है न ट्यूबवेल नहीं है, पानी की बहुत समस्या है। घर में तीन बजे लगे है ट्रांसफार्मर है, कई बार आगे लग जाते बहुत मुश्किल से हटावा नहीं है। कई बार रिपोर्ट भी करें तब नहीं हटे जी मेरे गड़ा थी। गली समस्या बहुत है, मतलब पूरा नरक के बरोबर में घूमत ना पूरा जनता। गांव के मुखिया में हुई सरपंच जेरी से 15 साल से राजनीति करे, ओकरे पानी पूरा गली भर बहुत। 200 घर के जो नामी समाज है वहाँ एक नल है, लाइन गोल हो जाता है तो पानी पीने के लिए नदी से या तालाब से पानी लेकर पीना पड़ता है। और गांव में इतना कीचड़ है जिसमें आदमी अभी पैदल रेंग नहीं सकते। विधायक नहीं जानते हैं भाई, किसी को नहीं, हमको हमारा काम ही कुछ नहीं हो रहा है तो हम विधायक कहाँ जानेंगे। वोट हम लोग नहीं डालने के विचार है, पूरा गांव मिलके मिलकर आपने हमारे घर कुरिया है, इंदिरा आवास आना चाहिए, नान नान लोग लेकर है, हमारे आरू पीछे भी बना नहीं, घर में ना पानी पिसाब के भी व्यवस्था कुछ नहीं है। दूधी जन के नाम माना चाहिए इंदिरा आवास भैया है, दे कुछ भी जगह उगा व्यवस्था नहीं है, जगह 20-25 जन परिवार भी है, अरे नान नान लोग लेकर है, बना नहीं, रांधत खाद भी बनाए, घर गिर गए तेल देख सकत है ये आप मन दी में लिपत बहरा थन भैया बाहर कैसे अंदर जान बाबू अंदर भी आए देख सकत हन भैया तो है देखे दे हमारी ये रांधना करना गैस में रांधन है दे आवाज पूरा पोताई उताई करा थन तय दे सब लहे करे देख ली है हमारे सब चीज होते और वो हवा तो वो है दूसरा घर है अरे देख ली हमारे ये समस्या है। मोर घर कुरिया नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है। रहता कहाँ मत अभी मैं हर वो लीन में रहता मेरा जो लड़का रहते तो ही मेरा भी घर है। 80-90 साल के उम्र हो गए, उम्र में इतने दिन हो गए कर रहते तक हमारा गांव कोई भी विकास नहीं होते है। धर्मलाल है देते पैसे कोड़ी पूरा यह खा जाता है, कोई किसान ला दे धर्म पूरा हार जाता है। न इंदिरा आवास देते, पहले लम्बर आ रही लड़का के ओला कार दी, अब कहा था 2 बार सर्वे करके ले गए है तो हाँ नाम ये सरपंच बने हैं तो नाम मत आते छे कका तो नाम आते 6 महीना के बाद 2 महीना आज के साल 2 साल हो गए सर आते तब लोग धरले थे धर्म ये रामाधर कोई गरीब ने नहीं दे। कौन है रामाधर? कौन है? ठाकुर है। ठाकुर कौन है गांव के? माल गुजारे। मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं एक छोटा सा जनप्रतिनिधि पंचायत प्रतिनिधि होते के नाते मैंने बहुत संघर्ष किया, बात को पहुँचाया ताकि हमारे गांव का विकास हो सके, लेकिन
एससी के लोगों के ऊपर अभी तक के जनप्रतिनिधि के लोगों को दुर्व्यवहार किया जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अभी आने वाले 20 नवंबर को हमारे बिलह विधानसभा का चुनाव है। हम चाहते हैं अब की बार बीजेपी शासन को इस छत्तीसगढ़ में हम सरकार नहीं बनाएंगे और उसको हम वोट नहीं करेंगे। पूरा एससी लोगों का पूरा बहुमत के आधार पर हम लोग इस बिलह विधानसभा को, धरमलाल कौशिक को हमने इस बार भी खदेड़ फेंकना है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का गौरव। गाँव में बिजली व्यवस्था तो है पर पूरा गाँव लो वोल्टेज से परेशान रहता है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर गांव के बीच बस्ती में स्थापित किया गया है जिसमें लगातार चिंगारी निकलते रहता है जिससे आए दिन शॉर्ट सर्किट होती रहती है। यहां के लोग आए दिन ट्रांसफार्मर की आग के लपेटों से परेशान रहते हैं व लोगों को आग का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी आला अधिकारियों को नहीं है। गाँव वालों के द्वारा कई बार आला अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी उस ट्रांसफार्मर को बस्ती से दूर नहीं किया जा सका है। यह बिजली विभाग की निष्क्रियता को दर्शाता है। सरकार की तरफ से गांव के विकास के लिए पैसे तो स्वीकृत किए जाते हैं पर वहां के रसूखदार व मालगुजार जैसे नेताओं ने अपने कोठी भरने के लिए गांव के विकास को कोसों दूर रखा है। पथरिया से राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।